तो जीत के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा है कि सलवर की काफी खुशी है, मुकाबला काफी कड़ा रहा, उनके अलग से कोई भी रणनीति नहीं थी, हर दिन अलग होता है और हमेशा वैसा रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं। थैंक यू जी। सबसे पहले तो पर हाँ थोड़ी कंडीशन नहीं थी आज, काफी हवा थी और मतलब एक दो वम तो होता है थोड़ा, मतलब पहले दो तीन दिनों तक वैसा फील बाद और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी तो लास्ट तक वो था अंदर, पर हाँ ठीक है जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में, तो कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे इससे। पर काफी मतलब टफ था कंपटीशन और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे और सभी काफी अच्छी एवरेज में थ्रो लगा रहे थे, तो हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक, तो अच्छा रहा सर जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से और काफी कुछ सीखने को मिला क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी जो सामने से आ रही थी और सीखा है सर उससे कुछ और बढ़िया है जो भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल काफी अच्छा कंपटीशन था और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज, आई थिंक 3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई और हाँ थोड़ा मेरे लिए आज थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था मुझे, अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे और बढ़िया है, काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो सुना आपने नीरज चोपड़ा को और इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि आज भले ही उनका दिन नहीं था लेकिन उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है, कुछ चीजें रही जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल मिला लेकिन उनका लक्ष्य जो था वो गोल्ड पर था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने देश को ये जो गौरव का पल दिया है वो बेहद शानदार हर भारतीय वासियों के लिए है क्योंकि 19 साल बाद कोई मेडल वो यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता है तो वो है नीरज चोपड़ा, और ये जीत हासिल करने के बाद पहले पुरुष खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में ये मेडल 19 साल बाद भारत की झोली पर लाया है और हर किसी को इस पर गर्व है। उनके गांव की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लड्डू बांटे गए उनके गांव में, जीत का जश्न किस तरीके से मनाया गया और आप सुन भी रहे थे नीरज चोपड़ा को जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है और जो मुकाबला था वो काफी कांटे का था, टक्कर का था और उसमें नीरज चोपड़ा ने अपनी फुल परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर दी और नतीजा ये रहा कि सिल्वर मेडल भारत के नाम आया।